गेस्ट को गए वजह काफी टाइम हो गया और की मैंने अब मुझे कहीं जाके भूख लगी तो मैंने कहा कुछ खा लू, मेरे सर में इतनी दर्द हो रही सर्दी से। फिर मैंने कैप पहनी, कैप मैंने ना नहीं ले गए थे, मैंने कहा था कहीं जाएंगे ना फिर पहनूंगी तो वो दूसरी मैं घर में ना पहन के रखती हूँ, जो आपने देखा अक्सर पहनी होती, वो कहीं रख के ना भूल गई। इतना बिखेरा समेटा, देखे कितना बिखेरा था ना, जब रूम की सेटिंग ऐसे चेंज की ना तो चीजें वगैरह समेटी तो पता नहीं कहाँ रख के भूल गई। तो अभी मैंने चार गोज का सालन गर्म किया है ना, नटोजा चूल्हा अंदर जलाया, सर्दी से मेरे सर में दर्द हो रही थी, अभी मैंने कहा ना लेके आई हूँ सलाद रहा था, सारा कुछ सालन गर्म किया तो अभी मैं भी अपना खाना खाती हूँ, बहुत भूख लग रही है। हनान तो खाना छाना खा के उनके साथ ही खा रही है, हनान ने भी हनान चला गया, फिर वही काम जाफा, फिर वही काम, देखा पीछे हट गया ना, डर ही बड़ा। मैं फिर कसम से ना पता, फिर मुझे गुस्सा है, मैं इनको मारती भी हूँ जब बुरे गलत काम करती हैं। तो अभी जी जल्दी से अपना खाना खा ले, ये कह रहा है बस मोबाइल मुझे दे दो, मैंने देखना है। तो तंग आ गई उनके कार्टूनों से, इन्होंने इतना अपना इंतजाम किया होता है, लाइट आ रही होती तब कार्टून देखते हैं, जब लाइट चली जाएगी ना मैं कहूँगी शुक्र है अब लाइट जाएगी मोबाइल से जान छूट जाएगी, अगर हमने गेमें डाउनलोड की हुई या लाइट जाएगी तो हम गेमें खेल लेंगे। मैं कहती हूँ अल्लाह माफ़ करे, अपने पापा का गया मोबाइल यूज़ करने में, सेम भी बहुत मोबाइल यूज़ करते हैं, वही बच्चों का हाल है कि मैं तो सर दर्द होना शुरू हो जाता है, तो ज़्यादा मोबाइल देखो। तो अभी जल्दी से जी अपना खाना छाना खाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। खाना जी मैंने खा लिया, कि मैंने बहुत सर्दी लग रही थी, फिर मैंने बनाई है अपने लिए चाय, और जो पड़े थे ना बिस्किट और नीम को वो मैंने कहा खाते हैं, चाय डालूं चाय पीते हैं मैं और जैफा। अरे ज़्यादा चाय बन गई, जैफा गिरना चाहिए गिरना चाहिए, चलो ये बिटर में डाल दूँ। तभी मैं और जैफा चाय बिस्किट खाते हैं, नीम को खाते हैं, हनान के लिए मैंने निम्को रख दिया। गेस्ट जो आए थे ना वो अभी शादी से पहले भी, देखा हम लोग सब ऐसे ही करते थे, जब कभी मेहमान चले थे ना फिर बांट के खाने, दो बिस्कुट तू ले एक, तू ले एक, ये करा। वो भी क्या दिन थे, बड़ा अच्छा टाइम था। तो अभी जी ये गेस्ट छोड़ के गए, मैं आपसे झूठ के बोलूँ वही पड़ी है, तो वही हमने ही खानी है और किसने खानी है। हनान जो बिस्किट लेके चला गया था, निम्को पड़ी थी, कहता मम्मा के खाऊंगा, मैंने उसके लिए निकाल दिया। तो अभी मैंने चाय बनाई है, तो इसी चाय के साथ अपने जो बिस्किट और निम्के वो हम लोग खाते हैं। अभी जी हमने खा लिया, चाय भी पी ली, मानो मेरी अभी भी सो रही है, आपको मैंने बताया मानो रात को सुबह 3 बजे सोई थी, जब से गेस्ट आया ना थोड़ी देर उससे मुझे तंग किया, फिर तब की सो रही, माशाल्लाह अभी तक सो रही है। तो अभी हमारी लाइट भी जाने वाली है, तो ना बस मैं ऐसे ही ना कोई बात सोच के हंसी, तो सैफा क्या कह रहे हैं मुझे, कहता मामा अब क्यों हंस रही हो, मैं क्या क्यों। मुझे ना सही बताओ, मुझे शुरू से इतना शौक था गिफ्ट का, मैं कहती थी कोई मुझे गिफ्ट दे, कौन देगा मुझे, किसने गिफ्ट देने हैं। तो मैं आज वो बात सोच रही, लास्ट टाइम भी आपने देखा उससे पहले भी अब तो कितनी बारी गिफ्ट मिल चुके हैं, तो मैं वो सोची मैंने कहा यार मैं इस काबिल तो नहीं थी जिस काबिल आप मुझे कर रहे हैं, यही बस ऐसे ही आप सबका प्यार और दुआ चाहिए। तो बहुत खुशी होती, मेरे से सब्र नहीं होता, एक मुझे कोई गिफ्ट दे दे और एक मुझे कहीं कहते हैं ना आपसे ज़रूरी बात करनी है, यकीन माने मैं बहुत ज़्यादा उससे बात की, इस बात की तो मैं बहुत टेंशन रहती हूँ कि मुझे बता दो क्या बात करनी है। मेरे कभी किसी दोस्त से भी कहते हैं ना शिमला तेरे से बात करनी, मैंने मुझे अभी बात बता दे, मेरे बाजी ने अक्सर कभी कहते ना हम कहीं चले ना शिमला में तेरे से बात करनी, मेरे बाजी तू मेरे से बात कर ले मैं फ्री हूँ, नहीं तो काम करें, नहीं बाजी आप बात करो मैं फ्री हूँ, मुझे बहुत टेंशन जब कोई मुझे कहता ना आपसे बात करनी है, तो मैं गिफ्टों को ना हाथ हाथ लगा लगा के अंदाज़ा करी गिफ्ट में क्या है। मुझे फील हुआ एक गिफ्ट में ना कड़े हैं दो और एक में शायद हैंडबैग और दो में सूट है। मैंने अपने दादी से मैंने ओपन नहीं किया, कसम से भी नहीं ओपन किया, वसीम आएंगे उन्होंने कहा वसीम आएंगे वसीम ही ओपन करके, मैंने हाथ लगा लगा के जो अंदाज़ा लिया ना वो मैं आपको पता, जब गिफ्ट आ जाना तो फिर दिल करता जल्दी से बस ओपन करके देख लेंगे हमारे लिए क्या आया। आप कहेंगे आपकी कैसी बेसब्री, पर मैं आपको पता मैं आपसे झूठ नहीं बोलती, मैं आपसे हर बात सच बता देती हूँ। तो मैं बस वेट करूँ, वसीम से कॉल भी की मैंने कहा कितने बजे तक आएंगे, कहते हैं मुझे लेट हो जाएगी, कल भी आपको बताया लेट आए थे काम बहुत ज़्यादा था, कोई वजह भी नहीं हंसने की, बस ना ये कहता है वही पकड़ो माशाल्लाह, बेडशीट मैंने चेंज कर दी, मैंने कहा उन्होंने गंदी कर देनी नहीं थी, माना मेरी सो के उठ के भी वेट हो रहा है वसीम का, बस कर दे बस कर दो, गंदा बच्चा। अभी जी वसीम आ गया काम से, कौन वहां लड़ गया, बहुत मजे का बना सर, आप अभी कहते हैं बहुत अच्छा बनाया, इतने अरसे बाद ये वाला कौन बोला क्या, कायनात को लेट छुट्टी होती है ना, वसीम की जो जॉब है ना रस्ते में से पड़ती है, फिर वसीम ना कायनात को लेते आते हैं घर छोड़ के, फिर वापसी घर आ जाते हैं दूध वगैरह लेके। आपका बहुत वेट किया, उन गेस्ट ने कहा था वसीम भाई आएंगे उनसे गिफ्ट ओपन करवाने हैं, कुछ खास है पता नहीं मुझे नहीं पता, पता नहीं अब आप खाना शाना खाए फिर कायनात भी है, फिर हम लोग ना जो अपना गिफ्ट है वो ओपन करेंगे। वसीम जी अभी गिफ्ट ओपन करने लगे, मैं बैक कैमरा ऑन करती हूँ, साथ साथ आपको दिखाऊंगी जी गिफ्ट में क्या मिला, ठीक है जी करते हैं गिफ्ट ओपन जी, करें जो शुमैला के लिए आए हैं, पहले उसे दे दे क्या आया, एक केक खोलो ना, आप खोलो,
मैंने हाथ लगा के देखा था कड़े थे मट्टो की भी आई वाह भाई वाह एक लेटर भी है आपके लिए खोले जी लेटर भी पढ़े हमारा क्या लेटर है पढ़े ना आप सब आप कैसी हैं भाई कैसे हैं आपके आप लोग बहुत अच्छे होते हैं अल्लाह ताला आपके काम में बहुत कामयाब करे थोड़ी ऊंची पढ़े एक छोटा सा तोहफा लेकर आई हूँ उम्मीद करती हूँ आपको तोहफा अच्छा लगेगा सारे तोहफे आपने बहुत व्लॉग में खोले हैं भाई के साथ अपने व्लॉग में खोलने हैं माजरत मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है पढ़ लेना है उम्मीद करती हूँ कि मुझे आप दिखाओ जा पापा मेरी मेरा चैनल मोनेटाइज करवा देना मैं अपनी यूट्यूब फैमिली को क्या कर मुझे मदद करें जी मैंने कह दिया दोबारा से फिर कहते हैं उनके आसिफ व्लॉग हाँ जी हाँ जी लाजमी इनके चैनल पे जाइएगा हानिया आसिफ व्लॉग के नाम से और इनको सब्सक्राइब करें और इनको जल्द से जल्द इनका चैनल जो है ना मोनेटाइज करें हाँ जी बहुत प्यारी है शादी मेहंदी में पहनूं की चूड़ियां मिक्स करके वो मानो की भी प्यारी है वसीम मट्टो की तो वैसे ही बहुत खूबसूरत है कड़ा है मुझे लग रहा है कि चूड़ी है अच्छा अच्छा वो इधर से वो व्हाइट व्हाइट आ रहा वाह भाई वाह पिंक चूड़ियां मतलब चूड़ियां चूड़ियां ये मेरी कैटलॉग चलें चलते हैं देखिए देखिए अब नेक्स्ट गिफ्ट ओपन करें नेक्स्ट हनान मेरा उधर सो रहा है और हम गिफ्ट ओपन करते जा रहे हैं ये बच्चों का लग रहा है ये भी भाभी का आपका ही है नहीं वाह स्टिच करवा के दी है जबरदस्त इधर करें वाह भाई वाह बहुत प्यार है ओपन शर्ट टाइप बना हुआ है ना बनी हुई है ये भी कितनी जबरदस्त है ना जी मोजे लग गए और है भी चाह से खुद सिलवाए हमें रेडीमेड नहीं है माशाल्लाह बहुत प्यारे तीनों ही बहुत प्यारी है माशाल्लाह बहुत प्यारे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह पाक नसीब में करे और जिन्होंने दिए उनको भी शुक्रिया बहुत बहुत थैंक्स उनका मैं ये अपना तीसरा गिफ्ट खोलते हैं ये मैं गैस करती हूँ ये होगा भाभी अगला गिफ्ट होगा वसीम का नहीं क्या होगा देखेंगे खोल के तो फिर ही पता चलेगा ये वसीम का है वाह जी वाह जब ये सेकंड टाइम सेम के लिए गिफ्ट आया रिमशान भी लेके आए थे और भाई ये हानिया व्लॉग लेके आए मतलब अब शॉपिंग की जरूरत नहीं उनका भी वसीम ने दिया वे सिलाई करने के लिए शादी पे पहनो और एक उनका भी दिया और ये भी दे देना वो भी मैंने स्टिच करने के लिए दिया और ये भी आप दे देना ये भी आप इंशाल्लाह ये पहनूंगा या रोजों में पहनूंगा चलिए ठीक है क्योंकि शादी को तो वसीम ने माशाल्लाह से बड़े अच्छे कपड़े ना दे दिए जो गिफ्ट आए हुए थे हाँ ये पता नहीं भाभी वाह वाह मेरा भी ओपन करके दिखाएं पूरा वाह ओपन करके दिखाएं अनस्टिच है वो सिंधी कढ़ाई टाइप है ना है ना अच्छा लग रहा है इसका वो दामन दिखाए हाँ जी प्यारा है माशाल्लाह हाँ जी जी बहुत बहुत शुक्रिया बहुत प्यारा है बहुत जबरदस्त है वाह भी वाह हाँ कलर भी बड़ा अच्छा है हाँ जी जी ये पैचे भी हैं ये जैफा और नान भैया को दे गए थे मैंने शॉपर के अंदर ही रखे हुए तब के ना ये देखे गए थे जी जैफा को और हनान को मुझे कहते ये कहते ये हमें दे दो मैं क्या वजह 2020 लाहौर जाओ तुम लोग कहते ये तो हमें दिए थे मैं कहा मैं आप लोगों को गाड़ियां ले दूंगी इन पैसों की जी तो गिफ्ट बहुत बहुत खूबसूरत थे मैंने वैसे मांगे नहीं थे वैसे वैसे ऐसे गिफ्ट बता रही थी कि प्यारे हैं कैसे लगे सीमा आपको गिफ्ट बहुत बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह और उनका बहुत बहुत शुक्रिया हानिया वासी भी लोग का नान भी अभी उठ गया ये ला पहनो ऊपर पहनो नीचे मैंने टाइट पहना दिया सॉक्स भी पहना दिया गया था मैंने अम्मी घर जाना कल वापस आ जाएगा परसों बाजी घर जाना आया है गिर क्यों उड़ाई हूँ पता नहीं क्या वैसे पाँव लगा उसके साथ में गिरने लगे थे हाँ जी आपने जाना अम्मी घर नहीं आपने भी तो तंग करा आपको कौन रात को लेने का नान भाई तो रह लेगा नान भाई कल आएगा आए है मेरी गई वो गाना लगा दो ना
के आ तेन सैल करा वा, बड़ा डांस करती है आ तेन सद तेरे सदके जा। चलो जनान साहब का एक सूट पैक कर दिया हमने, क्योंकि ना एक दिन रहना जनाब उठ जाए, वो कह रही मुझे देर हो रही, इसने घर जाकर सोना भी, सुबह उसने फिर काम पे जाना है। नीचे टाइट पे ना तो दिया, शूज पे ना तो ना ये पर तो पहनो कंघी करती हूँ। हनान मेरा रेडी हो गया, वो देखो मस्तियाँ करी पापा साथ, और ये भी रो रहा है मैंने भी जाना। अभी कुछ देर पहले घर कितना साफ था, देखे चिड़ियाघर इन्होंने बना दिया। बाय बाय पापा जा रहे हैं, बाय बाय। अच्छा पापा साथ चले जाना, चल छोड़ दे, ओके जी अल्लाह हाफिज। मैं बाहर तक आई तो उसने रोना शुरू कर दिया, ये फिर अल्लाह हाफिज कर देती हूँ। सलाम ले लो, अस्सलाम वालेकुम। अभी मूड रही है, चीज खा रही है। बाय बाय, कही कह रही बाय 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 बाय। ये लें चाबी, उसी में चाबी दे लें, आके ताला खोलूंगा। अब तो वैसे धुंध वगैरह खत्म हो गई है, मुझे इतने कमेंट्स आते हैं, क्या फेस पे क्या यूज करती हैं, क्या करती हैं बता दे, मैंने कोई लाख मरतबा बताया। ये है एक गोल्डन पर की स्किन पॉलिश, ये देखें, सिर्फ मैं ये यूज करती हूँ, वो भी कहीं जाना हो तो, अदरवाइज नो। और वाइट गोल्ड, ये देखें ब्लैक में, बस ये दो हैं चीज़ें जो मैं यूज़ करती हूँ। जब मुझे पूछे मैं वही बता देती हूँ, यही यूज़ करती हूँ, यही यूज़ करती हूँ, इसके अलावा और मैं कुछ भी अपने फेस पे नहीं लगाती। मैं ये गोल्डन पर की स्किन पॉलिश यूज़ कर रहा ना, इससे मेरे फेस पे जलन नहीं होती। इसको खोल के दिखाओ जाफा, ये आज ये देख ले, ये मैं यूज़ भी करती हूँ करीब नाइट में, सिर्फ यही चीज़ें यूज़ करती हूँ। तो उम्मीद है जी आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा, वीडियो को लाजमी लाइक करें, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलेंगे आप सुबह नाश्ते टाइम।